स्कंद पुराण में पूरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पूरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस अर्थात 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये भी माना जाता रहा है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में पहले ही डूब चुका है। इसका अग्रभाग समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और यह वहीं आकर गिरा था, तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ का रथ सिंहासन पर विराजमान है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इवनिंग अड्डा और मैं हूँ आपका होस्ट सूरज कुमार सिल। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के कुछ ऐसे चमत्कारों के विषय में जो आज भी शोध का कारण और विषय बना हुआ है। विदेशों से यहाँ तक कि नासा और जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता यहाँ पर आकर इस रहस्य के बारे में शोध कर चुके हैं, परंतु इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला है। वैज्ञानिक कारण का ना मिलना यह दर्शाता है कि यहाँ पर दैवीय शक्ति पहले से ही बसी हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है जगन्नाथपुरी के वो रहस्य जो एक सबसे बड़ा रहस्य है हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक भी आज तक नहीं बता पाए, लेकिन यह निश्चित ही दैवीय शक्ति और आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के उपस्थित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे पुरी के सभी लोग चाहे वे कहीं भी रहे देख सकते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरा चमत्कार, गुंबद की छाया नहीं बनती। अमूमन हर एक मकान या घर या फिर कोई भव्य मंदिर हो या कोई चूड़ा हो, चाहे ताजमहल हो या कुतुब मीनार या लाल किला, उसका छाया तो बनता ही है। लेकिन ये एकमात्र एक ऐसा मंदिर है भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिसका छाया नहीं है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे यह इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। तीसरा चमत्कार, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगेगा। हालांकि यह गोल है, इसे नील चक्र भी कहा जाता है। इसका निर्माण अष्ट धातुओं से किया गया है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चौथा चमत्कार, हवा की दिशा। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उलट होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र के से लेकर जमी तक आती है, लेकिन यहाँ पर यह उल्टा हो जाता है। यह आज तक शोध का विषय बना हुआ है। पांचवा चमत्कार, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया।
हवाई जहाज भी इस क्षेत्र के ऊपर से नहीं गुजर सकते। इसके ऊपर से विमान और रॉकेट कुछ भी उड़ाया नहीं जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नज़र नहीं आएंगे, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नज़र आते हैं। छठा चमत्कार, 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ रोजाना भोजन। यह अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इसे लाखों लोग खा सकते हैं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की भी एक मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, और वो भी मिट्टी के, और नीचे आग लगा दिया जाता है। लेकिन चमत्कार तो तब होता है जब सबसे नीचे वाला बर्तन में रखा चावल नहीं पक के सभी 7 में पकता है। अगर आप घर में इसको ट्राई करें तो सबसे नीचे वाला बर्तन का खाना जल्दी पकेगा, लेकिन यहाँ की रसोईया में कुछ ऐसा नहीं, बल्कि सातों की सातों मिट्टी के बर्तनों में रखा खाना एक साथ पक जाता है। 7वां चमत्कार, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर आप समुद्र द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते, और मंदिर के बाहर कदम रखने पर ही आप इस आवाज को, ध्वनि को सुन सकते हैं। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर प्रांगण में रहकर आप लाशों के गंध को नहीं सूंघ पाएंगे। 8वां चमत्कार, रूप बदलती मूर्ति। यहां श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई है। यहां प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है जब प्रतिमा का नया कलेवर हो जाता है। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। 9वां चमत्कार, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए राजा को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है, और भाई बलभद्र का रक्ष तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छैरा पेरन कहते हैं। 10वां चमत्कार, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब हनुमान भी जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे, ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण वेरी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर वेदी हनुमान का एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में चक्रे हनुमान जी का दर्शन करने अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर वाकई में कितनी रहस्यों से घिरी हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल इवनिंग अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए।